नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड पार एसपी टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, गोल्ड पार एसपी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और गोल्ड पार एसपी टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि गोल्ड पार एसपी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। गोल्ड पार एसपी एक ब्रांड नेम है। गोल्ड पार एसपी टैबलेट के अंदर 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। गोल्ड पार एसपी टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन डाइक्लोफिनेक 50 mg, पैरासिटामोल 325 mg और सेरेसियो पेप्टिडेज 10 mg होता है। गोल्ड पार एसपी टैबलेट का उपयोग बुखार होने पर, शरीर में दर्द होने पर और सूजन को कम करने के लिए गोल्ड पार एसपी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वजह से सूजन आ गई है तो गोल्ड पार एसपी टैबलेट दर्द के साथ साथ सूजन को भी कम करती है। गोल्ड पार एसपी टैबलेट का उपयोग शरीर की मांसपेशियों में दर्द होने पर, शरीर की हड्डियों व शरीर के जोड़ों में दर्द होने पर, सिर दर्द होने पर, दांतों में दर्द होने पर, कमर में दर्द होने पर, कान में दर्द होने पर, बुखार होने पर और गले में दर्द होने पर आदि कंडीशंस में गोल्ड पार एसपी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान भी दर्द से राहत पाने के लिए गोल्ड पार एसपी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। रूमेटोइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने पर भी जोड़ों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए भी गोल्ड पार एसपी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में गोल्ड पार एसपी टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में गोल्ड पार एसपी टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बदहजमी होना, पेट में दर्द होना, पेट में जलन होना, कब्ज होना, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, त्वचा पर खुजली होना, त्वचा पर रैशेस होना, भूख कम होना, दस्त होना और लिवर एंजाइम बढ़ सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा डोज में गोल्ड पार एसपी टैबलेट को लेने से किडनी व लिवर डैमेज हो सकते हैं और शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक यानी लगातार कई महीनों या कई सालों तक गोल्ड पार एसपी टैबलेट का सेवन करने की वजह से पेट में ब्लीडिंग होने का, दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड पार एसपी टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। गोल्ड पार एसपी टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर गोल्ड पार एसपी टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं। कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर केवल दर्द होने पर ही गोल्ड पार एसपी टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। गोल्ड पार एसपी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको गोल्ड पार एसपी टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड पार एसपी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पेट में अल्सर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किडनी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर गोल्ड पार एसपी टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना गोल्ड पार एसपी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। गोल्ड पार एसपी टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड पार एसपी टैबलेट के साथ शराब का सेवन करने की वजह से पेट में ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। गोल्ड पार एसपी टैबलेट माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए गोल्ड पार एसपी टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी गोल्ड पार एसपी टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को गोल्ड पार एसपी टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका गोल्ड पार एसपी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।